फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि दुबई कबड्डी मास्टर 2018 में जो डे वन को, मतलब पहले दिन जो दो मैचेस होने वाले हैं, जो 8 बजे से होने वाला है, वो होने वाला है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान और 9 बजे से ईरान वर्सेस कोरिया। इन दोनों मैचेस में कौन सी टीम जीत सकती है, आज मैं प्रेडिक्शन कर आपको बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, बस शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखते रहना है। फ्रेंड्स, अगर अभी भी आपको नहीं पता है कि दुबई कबड्डी मास्टर 2018 कब शुरू होने वाला है, तो आप मेरा चैनल विजिट कर वीडियो देख सकते हो। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है इस पर और मैं आपको बता रहा हूँ कल, मतलब 22 जून से शुरू होने वाला है। तो फ्रेंड्स, पहले तो आपको चार टीमों की स्क्वाड जाननी जरूरी है ताकि आपका पता कर सको कि कौन सी टीमें ज़्यादा स्ट्रांग है। तो यार, मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी टीमों की जो स्क्वाड है वो लिख दी है और बहुत कुछ लिखी है, किस चैनल पर दिया जाएगा, ये सब कितने बजे दिया जाएगा, सब मैंने लिख दिया है, वहाँ पर लिखा हुआ है। आप चारों टीमों की स्क्वाड पढ़ सकते हो, वहाँ पर अर्जेंटीना और केनिया की भी मिल जाएगी, जिनका मैच आज नहीं है, मतलब कल नहीं होने वाला है 22 जून को। तो अब मैं आपको पहले मैच के प्रेडिक्शन से बताता हूँ। तो पहला मैच होने वाला है 8 बजे से, जो होने वाला है आर्ट राइवल्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच। तो यार, ये मैच बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जैसा हम क्रिकेट में देखते हैं, फुटबॉल में, हॉकी में, जितना मतलब हमें टीवी सब फोड़ते हुए दिखते हैं, तो यार वैसा ही कुछ इंटरेस्ट हमें देखने को मिलने वाला है। दो दुश्मनों के बीच यहाँ पर होने वाली है मैच, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। कुछ भी मैच हो, इन कोई भी स्पोर्ट में हो, मज़ा तो जरूर आता है और मैं इस मैच के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो फ्रेंड, पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, यार मैंने दोनों मैचेस के पूल बनाए हैं, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर आप दोनों मैचेस में वोट दे सकते हो। पहला मैच है हु विल विन इन फर्स्ट मैच, इंडिया ऑप्शन और पाकिस्तान, जिसको वोट देना है दे सकते हो। और दूसरा जो है वो है कि Who will win in second match, और ऑप्शन दिया गया है कोरिया और ईरान, तो आप वोट दे सकते हो। तो फ्रेंड, पहला मैच में मेरा प्रेडिक्शन मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, इंडिया है, मैंने इस पर वीडियो बनाया है। तो मुझे लगता है इंडिया ही जीतने वाली है पहला मैच, क्योंकि इंडिया के पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेडर्स डिफेंडर्स हैं, उनकी टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर देन पाकिस्तान। तो बस इसीलिए मैं इंडिया को थोड़ी सी ज़्यादा पॉइंट्स देना चाहता हूँ। मुझे लगता है इंडिया 60% है और पाकिस्तान 40% है। हाँ, पाकिस्तान भी जीत सकती है, ऐसा कोई नहीं है कि बिल्कुल इंडिया ही जीतने वाली है, पर मैं 60% इंडिया को देता हूँ, 40% पाकिस्तान को। दूसरा मैच जो है वो हमें 9 बजे से देखने को मिलेगा, ईरान वर्सेस कोरिया के बीच। ये भी मैच बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हूँ इस पूल क्रिएट किया है जिसमें मैंने, क्योंकि मुझे पहले मैच में तो उतना इंटरेस्ट नहीं है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, क्योंकि मुझे पता है पहले मैच में इंडिया को ही ज़्यादा वोट मिलने वाला है। मैच के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मतलब पूल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, और पूल के लिए दूसरा मैच में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आप ईरान को ज़्यादा वोट दे रहे हो या फिर कोरिया को, तो यार वोट जरूर देना। तो दूसरी मैच में मेरी प्रेडिक्शन है कि यार देखिए, ईरान के लिए अभी फजल अट्रचाली, अबोज़र मेघानी, मिराज से कोई उनका मेन प्लेयर नहीं खेल रहा है, बहुत मतलब ये सब मकसूद लुमाली ये सब खेल रहे हैं, और हादी ताजिक, उनके मेन प्लेयर्स कोई भी नहीं खेल रहे हैं, और कोरिया के पास भी ज़्यादा मेन कोई प्लेयर्स हैं नहीं, बस एक जैंग कुल्ली मुझे अच्छे लगते हैं और मुझे कोई अच्छा नहीं लगता, मैं किसी को ज़्यादा जानता भी नहीं हूँ। और मुझे लगता है अगर कोरिया जो है वो मैच जीतती है तो सब ये जैंग कुल्ली की वजह से ही जीतती है, उनका डिफेंस भी अच्छा है, डोंग जियोन ली ये भी एक अच्छे रेडर हैं। तो यार बात करें कौन इस मैच को जीत सकता है, तो ईरान के पास उनके मेन प्लेयर्स नहीं है, पर फिर भी ये मैच बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला है, और मुझे लगता है और मैं इस मैच में देना चाहता हूँ 51% टू ईरान और 49% साउथ कोरिया को। इसमें मुझे मेरी प्रेडिक्शन गलती भी हो सकती है, मुझे लग रही है, क्योंकि यार दोनों टीमें ज़्यादा स्ट्रांग है, कंपेयर नहीं कर सकते हो आप इन दोनों के बीच, और ईरान के मेन प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं, तो मैं ईरान के साथ 55% जाता, पर अभी मैं 51% जा रहा हूँ ईरान के पास और 49% मैं कोरिया को दे रहा हूँ। पहले तो यार मैंने जो पूल क्रिएट किया उसमें वोट कर दो, और आपसे एक और काम है फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में जाओ और वहाँ पर लिखो # इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और जो आपको लगता है जो टीम जीतेगी उसका वहाँ पर नाम लिख दो। और दूसरा जो मैच है वो है ईरान वर्सेस साउथ कोरिया, तो वहाँ पर लिखो # ईरान वर्सेस साउथ कोरिया, और जो आपको विनर लगता है उसका लिख दो, एक ही कमेंट के अंदर आपको लिखना है, दो कमेंट नहीं करना है, और आपको लिख देना है। और अगर आपका प्रेडिक्शन सही हो जाता है दोनों एक ही कमेंट में, बार बार कमेंट मत कीजिएगा, मैं समझ जाऊँगा, एक ही कमेंट में दोनों अगर आपका प्रेडिक्शन सही हो जाता है तो मैं जो अगली वाली वीडियो लाऊंगा उसमें आपका नाम लूंगा कि आपका दोनों प्रेडिक्शन सही हुआ है। जो वीडियो हर रोज आने वाली है, हर मैचेस के आने वाली है, हर रोज दोनों मैचेस है तो आने वाली है, तो यार कमेंट एक ही करना, और दोनों अगर आपकी प्रेडिक्शन सही हो जाती है तो मैं अपनी अगली वीडियो में आपका नाम जरूर लूंगा आपकी कमेंट दिखाने के साथ साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बजाइए ताकि हम जैसे अगली कबड्डी वाली वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, और आपको कुछ नहीं करना, बस अगली वीडियो के लिए वेट करना है।
We'll be right back.